अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल मंजूर और आज मैं आपके लिए itmasti.com और suhail786.com की जानिब से फेसबुक के कोर्स का छठा और सबसे अहम चैप्टर लेकर आया हूं। आज के चैप्टर में हम फेसबुक पे अपनी प्राइवेसी के मुतलक पढ़ेंगे कि हम फेसबुक पर अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे कई सारे ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारे स्टाफ को कौन कौन देख सकते हैं, हमसे कौन कौन रब्ता कर सकते हैं, हम अपनी पुरानी पोस्टों की प्राइवेसी कैसे बदल सकते हैं, टाइमलाइन और टैगिंग और फॉलोअर सेटिंग को कैसे हम बदल सकते हैं, इसके अलावा हम अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अब पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे स्टाफ को कौन कौन देख सकते हैं, उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें, जो ये ताला आपको नज़र आ रहा है लॉक, इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद ये ऑप्शन है हु कैन सी माई स्टाफ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि हु कैन सी माई फ्यूचर पोस्ट, यानी कि जो आपकी फ्यूचर की पोस्टें होंगी वो कौन कौन देखे। अगर आप इसे पब्लिक करते हैं तो इसे हर बंदा देख सकता है। अगर आप फ्रेंड्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपकी पोस्टों को देख सकेंगे। अगर आप ओनली मी करते हैं तो ये मुकम्मल प्राइवेसी हो जाएगी, यानी कि आपके अलावा आपकी पोस्ट को कोई नहीं देख सकेगा। अगर आप इसे कस्टम पे क्लिक करते हैं तो आप यूज़र्स को अलाउ कर सकते हैं कि कौन कौन मेरी पोस्टों को देखे और कौन ना देखे। मसलन मैं यहाँ से स्पेसिफिक पीपल आर लिस्ट करता हूँ और जिन लोगों को आप अपनी पोस्टें दिखाना चाहते हैं वहाँ उनके नाम टाइप करें और जिन लोगों को आप नहीं दिखाना चाहते डोंट शेयर विद दिस, तो वहाँ आप उनके नाम टाइप करें। उसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अब मैं फ्यूचर में जो भी पोस्टिंग करूँगा वो सिर्फ़ एक ही बंदे को नज़र आएंगी और जिस बंदे को मैंने अलाउ नहीं किया उसे नज़र नहीं आएंगी। फ़िलहाल मैं इसे फ्रेंड्स कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं एक पोस्ट करता हूँ। अच्छा, जब भी आप ये आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ये जो अभी मैंने की है, जब भी आप ये कोई पोस्ट करेंगे तो ये देखें ये डिफ़ॉल्ट मैंने उधर फ्रेंड सेलेक्ट किया था तो इधर भी फ्रेंड आ गया। इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट आपकी वही रहेगी जो पीछे से हमने सेट की है। अब मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ 3G लाइसेंस की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया। उसके बाद मैं पोस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक पोस्ट कर दी। अब मैं दोबारा उसी लॉग पे क्लिक करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि लोगों को मेरी ये जो टाइमलाइन है वो कैसी नज़र आएगी। अब मैंने ये एक पोस्ट की है तो उसे मैंने जस्ट फ्रेंड सेलेक्ट किया है तो वो किसी और को नज़र नहीं आएगी, पब्लिकली वो पोस्ट नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स जो मेरे हैं उन्हीं नज़र आएगी। मसलन मैं अब ये देखें, ये मेरा फ्रेंड है सुहेल मंजूर। अब यानी कि उसी यानी कि उसके नाम से मैंने ये जब अपनी टाइमलाइन ओपन की तो ये पोस्ट नज़र आ गई है, लेकिन जब इसे मैं पब्लिकली देखूंगा ये नज़र नहीं आएगी। देखें, इस तरह आप आसानी से किसी भी यूज़र को अलाउ कर सकते हैं कि वो आपकी पोस्टों को देखे या आपकी पोस्टों को ना देखे। अब हम फेसबुक की प्राइवेसी के मुतल्लिक जो दूसरी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हु कैन कॉन्टेक्ट मी, यानी कि कौन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें। सबसे पहले ये मैसेज के मुतल्लिक हमारे पास यानी कि दो ऑप्शनें दी गई हैं। पहली ऑप्शन है बेसिक फिल्टरिंग, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसके ज़रिए आपको कोई भी फेसबुक पे मैसेज कर सकता है, वो आपको रिसीव होगा। अगर आप इसे करते हैं स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग तो इसके ज़रिए जो आपके फ्रेंड्स हैं वही आपको मैसेज सेंड करेंगे और कोई दूसरा आपको मैसेज सेंड करता है वो आपको रिसीव नहीं होगा। और जो तीसरी ऑप्शन हमारे पास है हु कैन सेंड मी फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट कौन भेज सकता है। तो पहली ऑप्शन के ज़रिए
एवरी वन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आप दूसरी ऑप्शन फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स पे क्लिक करते हैं तो जो आपके दोस्तों के दोस्त हैं वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल एवरी वन ही रहने देता हूँ और इसे मैं बेसिक फिल्टरिंग जो कि रिकमेंडेड है मैं इसे ही सिलेक्ट करता हूँ। अब फेसबुक की प्राइवेसी के मुतल्लिक जो तीसरी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो ये है कि हाउ डू आई स्टॉप समवन फ्रॉम बॉदरिंग मी। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपको कोई तंग कर रहा है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम एंटर करना है या आपने उसका ईमेल एड्रेस एंटर करना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं ब्लॉक के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद आपने ब्लॉक पे क्लिक करना है। ये आपको वार्न कर रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक काशिफ। आपने ब्लॉक काशिफ पे क्लिक करना है। ये बंदा ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं जिन लोगों को आपने ब्लॉक किया हुआ है तो व्यू ऑल ब्लॉक्ड यूज़र्स पे आप क्लिक करें और उसके बाद ये लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी, तो यहाँ से आप उन्हें अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इस बंदे को अनब्लॉक करता हूँ यहाँ से। ये दोबारा पूछ रहा है कि अनब्लॉक काशिफ अली, तो आप यहाँ से यानी कि इसे कन्फर्म कर दें और क्लोज के बटन पे क्लिक कर दें। अब ये बंदा अनब्लॉक हो गया। याद रखें जिस बंदे को आप ब्लॉक करेंगे वो आपकी कोई भी पोस्ट नहीं देख पाएगा और जब वो आपका अकाउंट ओपन करेगा तो उसे नॉट फाउंड की ऑप्शन नज़र आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसे आपने रिस्ट्रिक्ट करना है उसके लिए आप अपनी टाइमलाइन पे आएं और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स में आएं। ये आपको अपने फ्रेंड्स नज़र आएंगे जिसे आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। मसलन मैं अपने इस फ्रेंड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने ये ऐड टू अनदर लिस्ट में आना है और उसके बाद आपने रिस्ट्रिक्टेड के यानी कि जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब आप जो भी पोस्ट करेंगे पब्लिकली जस्ट वही इनको नज़र आएगी। अगर आप कोई पोस्ट करते हैं एज ए फ्रेंड यानी कि उसकी प्राइवेसी आप सेटिंग करते हैं तो वो पोस्ट आप इस फ्रेंड को नज़र नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक पे आपको कौन सर्च कर सकता है और किस तरीके से सर्च कर सकता है और किस बंदे को आप अलाउ करेंगे सर्च करने के लिए। सबसे पहले आपने इस लॉक पे क्लिक करना है और उसके बाद सी मोर सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ नीचे आपको ये तीन ऑप्शन नज़र आ रही हैं, हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, Who can look up using the phone number you provided? Do you want other search engine to link your timeline? सबसे पहली ऑप्शन में वो कह रहा है कि जिस बंदे को आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है वो आपको यानी कि ना तलाश कर सकता है फेसबुक पे। तो ये पहले ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है एवरी वन, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे फ्रेंड्स पे क्लिक कर दें। दूसरी ऑप्शन दी हुई है कि हु कैन लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर यू प्रोवाइडेड, यानी कि जो आपका फ़ोन नंबर है उसके ज़रिए कोई आपको सर्च कर सकता है फेसबुक पे। तो अगर आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया हुआ है तो उसके ज़रिए लोग आपको सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे भी फ्रेंड्स पे आपको रिकमेंड करूँगा ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। और तीसरी ऑप्शन जो उन्होंने दी है कि जो आपकी टाइमलाइन है उन्हें किसी सर्च इंजन के साथ हम लिंक कर सकते हैं, यानी कि सर्च इंजन में आपकी टाइमलाइन नज़र आए या ना आए। तो ये डिफ़ॉल्ट यस ही सिलेक्ट किया होता है, आप यहाँ से नो कर सकते हैं कि आपकी टाइमलाइन सर्च इंजन में शो नहीं होगी। और उसके बाद ये पूछ रहे आर यू श्योर, तो आप कंफर्म के बटन पे क्लिक कर दें। अब मैं आपको फेसबुक की जनरल सेटिंग समझाता हूँ। सबसे पहले आप जनरल में आएँ। अगर आप अपना फेसबुक नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप एडिट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपना फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना लास्ट नेम चेंज कर सकते हैं और फिर इस नेम को आप किस तरह डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
मोहम्मद उजैर। अब ये मिडिल नेम है, ये ऑप्शनल होता है, यहाँ आप अपनी मर्जी का कोई भी नेम दे सकते हैं। और फिर इसको आपने जिस तरह डिस्प्ले करवाना हो, उसकी दो ऑप्शनें आ जाती हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम फर्स्ट नेम। तो मैं इसे कहता हूँ लास्ट नेम फर्स्ट नेम, और उसके बाद ये अल्टरनेट नेम भी आप दे सकते हैं अपनी टाइमलाइन पे। और फिर इस चेंजेस को आपने अगर सेव करना हो तो यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करें, और उसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दें, ये आपकी चेंजेस सेव हो जाएंगी। दूसरी ऑप्शन है कि हमारे पास यूज़र नेम की। जब आप अपना फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको यूज़र नेम अलाट नहीं किया जाता, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने यूज़र नेम को वेरीफाई करवाते हैं। तो वेरीफाई करवाने के लिए वेरीफाई वीआई मोबाइल फ़ोन पे आप क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करें, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पे ना एक मैसेज जाएगा जिसमें 5 हिंसों का कोड होगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि ये मेरा जो नंबर है अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पे पहले ही एक दो अकाउंट वेरीफाई किए हुए हैं, इस वजह से ये एरर आ रहा है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम चूज़ करने की ऑप्शन दी जाएगी। तो आपने कोई ऐसा यूज़र नेम चूज़ करना है जो पहले किसी का नाम बना हो, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज़ हमारे पास है ईमेल एड्रेस की। तो आप यहाँ पे अपना एक और ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, या इस ईमेल एड्रेस को आप यानी कि ख़त्म कर सकते हैं, कोई ईमेल और ईमेल अपना प्राइमरी रख सकते हैं। तो उसके लिए आप ऐड एन अदर ईमेल पे आएँ, और यहाँ पे आप मसलन मैं एवें भी लिख देता हूँ प्रकाश एट द रेट gmail.com। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये कह रहा है कि प्लीज़ चेक योर ईमेल एट वकास एट द रेट gmail.com, यानी कि इस ईमेल एड्रेस पे उन्होंने एक ईमेल भेजी है जिसे मैंने वेरीफाई करना है। फिर जब वेरीफाई हो जाएगी तो ये जो ईमेल एड्रेस है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो है पासवर्ड। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना करंट पासवर्ड जो मौजूदा है वो एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद ये न्यू पासवर्ड आपने टाइप करना है, और उसके बाद न्यू, और एंड पे ये आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं कि आप फेसबुक को किस लैंग्वेज में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं इसे करता हूँ उर्दू, और सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज की ये हमारे पास फेसबुक उर्दू ज़बान में आ गई है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आपने दोबारा ये ज़ुबान चेंज करनी है तो पिछले सफ़े पे आएं, और यहाँ पे आपने ज़ुबान पे क्लिक करना है, और दोबारा आपने इंग्लिश यूएस आपने ये सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद तब्दीलियाँ महफूज करें इस पे आप क्लिक करें। ये दोबारा यानी कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है। ये जनरल अकाउंट सेटिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको सिक्योरिटी की सेटिंग समझाता हूँ। उसके लिए आप सिक्योरिटी पे क्लिक करें। ये सिक्योरिटी सेटिंग्स हमारे पास आ गई हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है लॉगिन नोटिफिकेशंस, आप इस पे क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि आपको लॉगिन होने पर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। दरअसल होता यूँ है कि जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल से अपने फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन होते हैं तो फेसबुक इस चीज़ को सेव कर लेता है। फिर जब कोई आपके अकाउंट के जरिए किसी दूसरी डिवाइस से लॉगिन होता है तो फेसबुक आपको वार्निंग देता है कि कोई आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए हमें नोटिफाई किया जाएगा, या तो ईमेल के जरिए हमें नोटिफाई किया जाएगा, या टेक्स्ट मैसेज के जरिए हमें नोटिफाई किया जाएगा जो हमारे मोबाइल पर आएंगे। इनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दें और सबमिट कर दें। और उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन है लॉगिन अप्रूवल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि जब आप लॉगिन होंगे तो सबसे पहले आपसे लॉगिन अप्रूवल मांगा जाएगा। मेरे नज़दीक ये सबसे बेहतर ऑप्शन है जिससे आपका अकाउंट हैक होने के तकरीबन तमाम चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। आपके मोबाइल पर एक कोड भेजा जाता है जिसके ज़रिए आप लॉगिन अप्रूवल देंगे और अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे।
और तीसरी ऑप्शन है हमारे पास है कोड जनरेटर। इसके ज़रिए आप कोड जनरेट करते हैं और फिर इस कोड के ज़रिए आप किसी भी वक्त अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और चौथी ऑप्शन हमारे पास है ऐप पासवर्ड्स। हम में से तकरीबन हर बंदा फेसबुक पे मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करता है जिन पर लॉगिन होने के लिए आपको एक फेसबुक का पासवर्ड दिया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के ज़रिए आप इन ऐप्स के लिए अलग अलग आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास पांचवी ऑप्शन आती है ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आप कोई से तीन बंदे या चार बंदे सेलेक्ट करें जिनके ज़रिए आप अपने अकाउंट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन ट्रस्टेड ब्राउज़र। इसके ज़रिए आप अपना ट्रस्टेड ब्राउज़र इसमें आप एंटर कर सकते हैं। और एंड पे हमारे पास ऑप्शन है कि आप किस वक्त किस डिवाइस से ऑनलाइन है और किस जगह से ऑनलाइन है। ये मेरे पास लोकेशन लाहौर की आ रही है और ये मेरा आईपी एड्रेस है और नीचे ये डिवाइस आ रही है फायरफॉक्स ऑन विंडोज़ 8। और अगर आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी सेटिंग्स आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं आपको प्राइवेसी के मतलब बताता हूँ, बल्कि प्राइवेसी के मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब आप आ जाएं टाइमलाइन एंड टैगिंग में। टाइमलाइन एंड टैगिंग सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास है हु कैन ऐड थिंग्स टू माई टाइमलाइन, यानी कि हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, कि आपकी टाइमलाइन पर कौन पोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट की होती है वो होती है फ्रेंड्स, आप इसे ओनली मी कर दें। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमारे पास है कि जब आपको कोई दोस्त टैग करेगा तो सबसे पहले आपको उस पोस्ट को रिव्यू करना होगा, अगर आप इजाज़त देंगे तो ही वो चीज़ आपकी टाइमलाइन पर शो होगी। तो उसके लिए आप यहाँ से एनेबल कर दें और उसके बाद क्लोज कर दें और ये नीचे आ जाएं कि हु कैन सी थिंग्स ऑन माई टाइमलाइन। पहली ऑप्शन है कि आपकी टाइमलाइन लोगों को कैसी नज़र आएगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक बंदे को आपकी टाइमलाइन कैसी नज़र आएगी तो यहाँ से उस बंदे का नाम एंटर करें। अब सुहेल मंजूर को मेरी टाइमलाइन ऐसी नज़र आएगी। और उसके बाद ये दूसरी ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ज़रिए आपने ये सेट करना होता है कि जब कोई आपको टैग करेगा तो इस टैग की हुई पोस्ट को कौन देखेगा। तो डिफ़ॉल्ट इसमें ये फ्रेंड सेलेक्ट की होती है, आप इसे बेहतर है कि ओनली मी कर दें और उसके बाद आप क्लोज पे क्लिक कर दें। और उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन आती है हु कैन सी वट अदर पोस्ट ऑन योर टाइम लाइन। इस ऑप्शन के ज़रिए आप सेट कर सकते हैं कि कोई दूसरा जब आपकी टाइम लाइन पर कुछ पोस्ट करेगा तो इसे कौन कौन देखेगा। तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट ये फ्रेंड सेलेक्ट ही होती है, आप इसे ओनली मी कर दें। और ये एंड पे आ गया हाउ कैन आई मैनेज टैग्स पीपल एंड ऐड एंड टैगिंग सजेशंस। ये सबसे पहली ऑप्शन पे आप क्लिक करें। अगर कोई शख्स जो आपका फेसबुक फ्रेंड नहीं है और वो आपको किसी पोस्ट में टैग करने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये ऑप्शन एनेबल होगी तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, फिर ही वो शख्स आपको टैग कर सकेगा। तो इस ऑप्शन को आप एनेबल कर दें और उसके बाद क्लोज के बटन पे क्लिक कर दें। ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ गई है, जब आप किसी पोस्ट में टैग हो जाते हैं तो आप किन लोगों को वो पोस्ट दिखाना पसंद करेंगे। तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है फ्रेंड्स, आप इसे ओनली मी या कस्टम भी कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास है जब हम कोई पोस्ट करते हैं तो फेसबुक टैग करने के लिए सजेशन देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस सजेशन किसको नज़र आए तो आप यहाँ से फ्रेंड्स या नो वन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे नो वन कर देता हूँ और उसके बाद क्लोज के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब हम सीखते हैं कि हम किसी बंदे या किसी ऐप वगैरह को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये ब्लॉकिंग पे क्लिक करें और ये सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, और इसमें से आप किसी अपने दोस्त को आप ऐड कर सकते हैं।
रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी दोस्त को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो आपकी किसी पोस्ट को नहीं देख सकेगा, जस्ट वही पोस्ट उसे नज़र आएगी जिसे आपने पब्लिकली उसे पोस्ट किया होगा, उसकी प्राइवेसी आपने पब्लिक रखी होगी। और दूसरी ऑप्शन है ब्लॉक यूज़र्स, यहाँ से आप किसी बंदे को ब्लॉक कर सकते हैं, या तो आप उसका नाम यहाँ पे एंटर करें या आप उसे ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप ब्लॉक कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे किसी को ब्लॉक करता हूँ, ravian952@gmail.com, और उसके बाद मैं ब्लॉक के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब इस बंदे को मैंने ब्लॉक करना है तो उसके लिए मैं ब्लॉक के बटन पे क्लिक करूँगा, और वो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक सुहेल, तो मैं कहता हूँ यस। अब ये बंदा ब्लॉक हो जाएगा, जिस बंदे को आपने ब्लॉक किया होगा वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और उसे आप यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। और अनब्लॉक करने के बाद अगले 48 घंटों तक आप दोबारा उसे ब्लॉक नहीं कर सकते। उसके बाद ये तीसरी ऑप्शन है ब्लॉक ऐप इनवाइट्स, कोई दोस्त वगैरह आपके होते हैं जो आपको ऐप वगैरह के लिए इनवाइट करते रहते हैं, तो आप उन दोस्तों को यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि वो दोबारा आपको किसी ऐप के लिए इनवाइट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आती है ब्लॉक इवेंट इनवाइट्स, यानी कि कोई दोस्त वगैरह आपको किसी इवेंट के लिए इनवाइट करता है और बार बार कर रहे हैं, तो आप उसे यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं उस दोस्त को। अगर आप किसी ऐप को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उस ऐप का नाम लिखकर यहाँ से आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब हम नोटिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है हाउ यू गेट नोटिफिकेशन, इसमें ये फर्स्ट पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रही है कि आपको फेसबुक पे नोटिफिकेशन किस तरह मिलें, इसके ऊपर आप क्लिक करें, और वो आपसे पूछ रहा है कि जब आपको कोई नोटिफिकेशन मिले तो साउंड प्ले हो या ना हो। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन के साथ साउंड भी सुनाई दे तो इस पे चेक लगा कर सेव कर दें। ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास ईमेल की है कि अगर आप तमाम फेसबुक नोटिफिकेशन ईमेल के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं तो पहली ऑप्शन सेलेक्ट करें, और या आप जस्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मुतल्लिक नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करके क्लोज़ कर दें। मैं चाहता हूँ कि मैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी के रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहता हूँ, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके इसे क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद तीसरी ऑप्शन नोटिफिकेशन की है कि आपको कुछ नोटिफिकेशन अलर्ट्स अपने मोबाइल पे मिलते हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल पे आपने जो फेसबुक ऐप इंस्टॉल की होती है वहाँ से आप उसे हैंडल कर सकते हैं। अब हम आते हैं व्हेन यू गेट नोटिफाइड अबाउट, पहली ऑप्शन वो जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, वो लाइक कमेंट या टैग की सूरत में भी हो सकती है, ये ऑन ही रहेगी, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये दूसरी ऑप्शन क्लोज फ्रेंड्स एक्टिविटी की है, इसे आप ऑफ ही कर दें तो बेहतर है। अगर आप एक्टिविटी यानी कि आपको फेसबुक और ईमेल के ज़रिए आपको नोटिफिकेशन मिलें तो ये पहली ऑप्शन सेलेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन फेसबुक पे मिलें तो आप ये दूसरी सेलेक्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लोज फ्रेंड्स की एक्टिविटी ना मिले तो आप इसे ऑफ कर दें। उसके बाद ये तीसरी ऑप्शन टैग्स के नोटिफिकेशन की है कि आपको कौन टैग करे तो नोटिफिकेशन मिले, इसे फ्रेंड्स कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये एनीवन करेंगे तो कोई भी आपको टैग करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दूसरी ऑप्शन फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स यानी हमारे दोस्तों के जो दोस्त हैं वो अगर हमें टैग करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको जस्ट अपने फ्रेंड्स का यानी कि नोटिफिकेशन मिले तो आप ये तीसरी ऑप्शन सेलेक्ट करें जो ज़्यादा सूटेबल है। अब आप मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाएं, अगर आप ये तमाम नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना होगा। जब हमने ये अकाउंट क्रिएट किया था और हमने एक यूज़र नेम जो कि फेसबुक ने हमें अलॉट किया था वो हमने अपने मोबाइल के ज़रिए वेरीफाई करवाया था, तो ये हमारा नंबर वेरीफाइड आ रहा है। अगर आप किसी और नंबर पर यानी कि
टेक्स्ट मैसेजेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक और नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा जिस पे वो टेक्स्ट मैसेजेस आपको रिसीव होंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड एन अदर। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड देना होगा। जैसे ही मैंने अपना पासवर्ड दिया, ये मुझसे पूछ रहा है कि कंट्री क्या है आपकी, और उसके बाद ये आपका नेटवर्क कौन सा है। मसलन मैं कहता हूँ मेरा नेटवर्क है टेलीनॉर, और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें, और उसके बाद आपने अपना मोबाइल में मैसेजेस में जाकर आपने एफ़ लिख के 32665 पे एक मैसेज करना है। तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके इसे कन्फर्म कर देना है। तो उसके बाद आपको टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आप फॉलोअर्स की सेटिंग्स में आ जाएं। फेसबुक पे आपके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो आपके ऑलरेडी फॉलोअर्स होते हैं, और आपके फ्रेंड्स की लिमिट 5000 तक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स के अलावा भी और लोग आपकी पोस्टों से फ़ायदा उठा सकें, तो यहाँ आप फ्रेंड्स की बजाय एवरीवन की ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे ऑप्शनें ओपन हो गई हैं। पहली ऑप्शन है फॉलोअर्स कमेंट, हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट, यानी कि जो आप पब्लिक पोस्ट करते हैं उस पर कमेंट कौन कौन कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी हमारे दोस्तों के दोस्त भी इस पर यानी कि कमेंट कर सकते हैं। आप इसे एवरीबॉडी भी कर सकते हैं, यानी कि हर कोई आपकी पोस्ट पे यानी कि कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप इसे एवरीबॉडी सेलेक्ट करें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास है फॉलोअर्स नोटिफिकेशन, गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि जो आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलें। तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हर किसी का नोटिफिकेशन मिले तो आप एवरीबॉडी सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों के भी आपको नोटिफिकेशन मिलें तो आप ये दूसरी ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी का कोई नोटिफिकेशन ना मिले तो ये नोबॉडी ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये यूज़र नेम की है जो कि मेरी प्रोफाइल का है, और चौथी ऑप्शन ये है कनेक्ट ए ट्विटर अकाउंट। अगर आपका कोई ट्विटर अकाउंट है जिसे आप हैव ए ट्विटर अकाउंट, कनेक्ट योर ट्विटर अकाउंट टू रीच योर फेसबुक एंड ट्विटर फॉलोअर्स एट द सेम टाइम, अगर उस पर आपके कोई फॉलोअर्स हैं तो आप इन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी पोस्ट करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। और चौथी ऑप्शन हमारे पास है ये फॉलो का प्लगइन है जिसे आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या किसी फॉरम वगैरह पे शेयर कर सकते हैं जहाँ से लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। अब आप ऐप्स पे क्लिक करके ऐप्स की सेटिंग्स में आ जाएं। फेसबुक पे आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, जेंडर, नेटवर्क्स, यूज़र नेम और यूज़र आईडी हमेशा पब्लिकली शो होती है, और वो भी आपकी फेसबुक की ऐप्स समेत, और जो आप ऐप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनकी रसाई भी आपकी फ्रेंड लिस्ट और हर उस इंफॉर्मेशन तक होती है जिसे आपने आम लोगों के लिए शो किया होता है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है कि ऐप्स यू यूज़, अगर आप फेसबुक ऐप्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे ऑन ही रहने दें, बस उतने देर इसे ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करें और टर्न ऑफ प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके आप इसे यहाँ से क्लोज कर दें। अब दूसरी ऑप्शन है ऐप्स अदर यूज़, फेसबुक पे लोग मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए आपके मंदरजा ज़ैल डाटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये नीचे आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, इनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करें जिन्हें आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद आप सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे सेव कर दें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फेसबुक का छठा चैप्टर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, और मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट्स itmasti.com और suhail786.com ज़रूर विज़िट करें, और अगले ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।